छोड़ना पड़ा। उसके लिए मेरे नाना जो थे वो होमगार्ड विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर थे, तो सेवानिवृत्त भी थे, तो उनके साथ मैं रहता था। तो बचपन से ही मेरे नाना बहुत प्यार और दुलार देते थे। 2016 में उनका जो है जब नोटबंदी हुई थी, तो उसके तबीयत खराब हो गया। उनको डायबिटीज़ थी, डायबिटीज की समस्या थी, तो उनको शुगर हो गया था। तो इसमें उनका इंतकाल हो गया, हम लोग को छोड़ के चले गए जो है। तो तब से हम यहीं पर रहते थे। तो बीच से जो है दीपावली से फिर से वहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है फिर से वहाँ के लोगों से जुड़ना, वहाँ के लोगों से मुलाकात करना। बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। वहाँ के दोस्तों से मुझे यहाँ पर कोई जानता भी नहीं था। फिलहाल घर में आया हूँ, यहाँ पर कोई जानता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अब थोड़ा सा परिचय बन रहा है। वहाँ पर तो भाई साहब जानते हैं, अभी जानते हैं। वहाँ पर दोस्त कई थे, सबके सबके साथ खेलना कूदना उठना बैठना सब था जो है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा मिस जरूर करते हैं, जैसा पहले था वो ऐसा नहीं रह गया है। दो चार दिन के लिए जाते हैं, नहीं तो यहीं पर रहते हैं अपने जो मेरी जन्मभूमि है, जो मेरी वास्तविक मेरा गांव है, मेरा दोनों गांव, जिस गांव से मैंने ताल्लुक़ रखा है मेरा ये गांव बहुत अच्छा है। दोस्त कई बने यहाँ पर भी, अच्छे हैं, सुंदर है, सुशील लोग रहते हैं जो है। हाँ, काफ़ी मिलनसार व्यक्ति हैं जो है, किसी की जो है अच्छा है। तो मैं जो है भी थोड़ा सा दिमाग में आया, वैसे नहीं, मैं जिस लाइन से हूँ जो है करने की, वो लाइन मुझे अनुमत नहीं देता है। लेकिन फिर भी क्या करें, थोड़ा सा समझ लीजिए कि बचपन की कलाकारी है जो भी मैं आपको दिखाता हूँ, जो भी मैं बोल। वहाँ पर मेरे नाना थे, मेरे समझ लीजिए एक मंडली बनती थी पूरे गांव में जो है। कहीं भी रामायण कीर्तन होता तो वहाँ पर मेरे नाना वाना जरूर जाते थे। रामायण हारमोनिया सब चीज़ था, सब इंस्ट्रूमेंट था, हर जगह जाते थे रामायण वामायण करने के। तो थोड़ा सा वहीं से जो है थोड़ा सा कलाकारी वहाँ पर, तो हर साल रामलीला भी होता था। तो ऐसे कोई नहीं, छोटा मोटा पार्ट कर लेते थे, ज़्यादा नहीं, लेकिन कलाकारी का वास्तविक चीज़ जो है वहीं से मिला है। थोड़ा बहुत जो भी है मेरे अंदर सब वहीं का है, यहाँ पर कोई नहीं करता। तो खाली बैठे थे, कहें चलो किस्मत का सहारा लेते हैं, हो सकता है सबकी दुआ और प्यार आशीर्वाद रहा तो हो सकता है कभी न कभी। तो दोस्तों जो है चालू किया, वो देखते हैं रब जो चाहेगा वही तो होना है, बाकी का खिलौना ही है। तो सब विचार आया कि चलिए आपके सामने एक बार रूबरू होते हैं, कैमरे के सामने लाइव आते हैं, इसलिए मैं अब आया। लेकिन अब आ गया हूँ तो थोड़ा सा कैमरे के सामने लाइव आने का जो झिझक था वो तो दूर हो गया है। चलिए दोस्तों ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से आऊँगा आप लोगों के सामने, फिर से आऊँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राम राम, जय अयोध्या। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें, ताकि थोड़ा सा आपके भाई का, आपके बेटे का जो है चैनल भी थोड़ा सा ग्रो करें। धन्यवाद।